दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच में नए कप्तान बने सूर्या, रोहित विराट कोहली हुए बाहर और दोस्तों भारत की पूरी नई टीम हुई घोषित। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तानी कौन करेगा और भारत की कप्तानी तो सूर्य कुमार यादव को सौंप दी गई है। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं इस 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत की पूरी टीम क्या होने वाली है। जहां इस दौरे पर भारतीय टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है और सूर्य कुमार यादव इस T20 दौरे पर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। तो वाइस कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया है, इसके बाद ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, अर्षदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और मुकेश कुमार भारत के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले 5 मैचों के T20 सीरीज के लिए टीम का हिस्सा हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मैथ्यू वेड को सौंपी गई है और इनके अलावा ट्रेविस हेड, स्टीवन सुमित, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉट, मार्कस टॉयनिस, टीम डेविड, जॉस इग्लिस, एरोन हेडी, जेसन ब्रेंडरोफ, सीन एबेट, नेथन एलिस, केन रिचर्डसन, एडम जेम्पा और तनवीर संगा ऑस्ट्रेलिया की टीम के भारत के 5 मैचों की T20 का हिस्सा होंगे। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम मजबूत है, आप अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और इन दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच विशाखापट्टनम में होगा और इस मैच की टाइमिंग शाम के 7 बजे की रहेगी और दोस्तों ये मुकाबला 23 नवंबर को खेला जाएगा।